जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के खास खबरें। फिल्म पद्मावत को लेकर राजस्थान में गरमाया माहौल। सेंसर बोर्ड से पद्मावती फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत के नाम से पास किए जाने के बाद भी राजस्थान सरकार नरम नजर नहीं आ रही है। पद्मावती पर राजस्थान सरकार का रुख कायम है और अब पद्मावत को राजस्थान में रिलीज नहीं किया जाएगा, यानी इस फिल्म पर बैन बरकरार रहेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि रानी पद्मिनी का बलिदान प्रदेश के मान सम्मान और गौरव से जुड़ा हुआ है, इसलिए रानी पद्मिनी हमारे लिए सिर्फ इतिहास का एक अध्याय भर नहीं बल्कि हमारा स्वाभिमान है। उनकी मर्यादा को हम किसी भी सूरत में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। आज लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला मामले में एक और सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल RJD सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़ी चाईबासा का कोषागार गबन मामले में CBI की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया गया है। लालू और बाकी दोषियों की सजा के ऐलान आज ही हो सकता है। कोर्ट में इस पर बहस जारी है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। गणतंत्र दिवस पर इतिहास खुद को दोहराएगा, आएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदादो। गणतंत्र दिवस पर इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था और इस समय दक्षिण पूर्व एशिया के दिग्गज नेता और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। आजादी के 68 साल बाद भारत ने आज एक बार फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो को गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया है। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। हेलो बेटा, ये लीजिए नेचुरल चॉकलेट। चॉकलेट ही है जो बना है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इस फ्लेवर में आपको मिलेंगे आलमंड और चॉकलेट दोनों का टेस्ट, और अब ये सिर्फ 5 रुपए में।